भारतातील अव्वलस्थानी आणि सगळ्यात मोठी असलेली स्टेट बँक ऑफ इंडिया ग्राहकाभिमुख सेवा देत आली आहे. यापुढे आपल्या सेवेची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी भारतीय स्टेट बँक शाखा पातळीवर जाऊन सेवा सुधारण्यास प्राधान्य देणार आहे. बँकिंगच्या मूलभूत सुविधा, कर्ज सहायता, शेती, लघु व मध्यम उद्योगांसाठीच्या योजना आदी गोष्टींमध्ये सुलभता कशी आणता येईल याबाबत 2 दिवस चर्चा झाली. या बैठकीतून आलेल्या सूचना व सुधारणांचा अहवाल बनवून राज्यस्तरीय बँकर समितीकडे पाठवला जाणार आहे, अशी माहिती भारतीय स्टेट बँकेच्या महाराष्ट्र सर्कलचे मुख्य महाव्यवस्थापक जी रवींद्रनाथ यांनी दिली. आज और कल दोनों दिन का एक एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट का अभियान चला है. इसमें पब्लिक सेक्टर बैंकों की एक परफॉर्मेंस एवेल्युएशन रिव्यू और आल्सो आगे जाके इन बैंकिंग सर्विस सेवाओं को कैसे प्रगति ला सकते हैं, कैसे रिजर्व ला सकते हैं. एक हर एक ब्रांच मैनेजर का ग्रुप्स बना के हर एक रीजन स्तर पर मीटिंग्स किया गया है और इनमें गवर्नमेंट के स्कीमों के तहत डिस्कशन किया गया और आल्सो 8 जो ऐसे अहम चीज़ अहम मुद्दे हैं जो आज देश के सामने हैं, जैसे इंक्रीजिंग डिजिटल पेमेंट्स है, जैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑफ गवर्नमेंट बैंक्स हैं और क्रेडिट टू लघु उद्योग और एग्रीकल्चर क्रेडिट और एक्सपोर्ट क्रेडिट, इन सब चीज़ों पे ग्रुप प्रेजेंटेशंस किया गया और बैंक मैनेजरों से सजेशंस लिया गया ताकि इस सजेशनों को हम एक क्रोडीकरण करके स्टेट के लेवल पे डिस्कस करें और नेशनल लेवल पे इसका प्रेजेंटेशन किया जाएगा. इसके दौरान ये अभियान रही है कि हर एक ब्रांच मैनेजर अपने लेवल पे के इस बैंकिंग सेवाओं को जो इम्प्रूव करने के जो जो फीडबैक है दे सके फ्री एंड फेयर मैनर, ताकि इंडियन एस्पिरेशन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो इंडिया के इकानमी को 5 ट्रिलियन तक ले जाए. इसमें जो आप सब समझते हैं कि बैंक का जो अहम मुद्दा है उसमें कैसे इम्प्रूवमेंट्स ला सके, ये एक मेन ऑब्जेक्टिव है. इसमें तरह तरह के सब्जेक्ट्स पे डीप डिस्कशन किया गया, बहुत सारे ब्रांच मैनेजर्स बहुत इंटरेस्टिंग एंथुजियाज्म और इंटरेस्ट से पार्टिसिपेट किए हैं और बहुत अहम सजेशंस इसमें उभर आए हैं जो ये सब आगे से जाके गवर्नमेंट के एक्सेप्टेंस के बाद योजना ये बन सकते हैं. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या कामकाजाची समीक्षा करण्यासाठी व बँकांना गरजेनुसार प्राथमिकता देऊन त्यानुसार काम करण्याची प्रणाली भारत सरकारद्वारे बँकिंगच्या प्राथमिक स्तरापासून तयार केली आहे. या प्रक्रियेमधील पहिल्या टप्प्यात दिनांक 17 व 18 ऑगस्ट 2019 रोजी भारतीय स्टेट बँकेच्या क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय झोन 1, 2 व 3 मध्ये 2 दिवसीय बैठक झाली. त्यानंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना रवींद्रनाथ बोलत होते.